था कि तब बैठ बैठ के तंग आ गए, अब क्या करें भाई, तो निकल नहीं है ना, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। लॉकडाउन नहीं है, कुछ और ही आप कह सकते हैं इसको। ये 3-4 दिन होया, 2 महीने के बाद रेड़ी लगाई है। शॉप थी लेकिन हुकूमत ने ख़त्म करा दी है। अब इस वाले है ना, इन्होंने 1 महीने से इतना रोजगार इकट्ठा किया कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से उठा के पुलिस वाले डंडों के साथ मारा भी है, फिर यहाँ से किसी हिटते हुए लेके गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा साजिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा शहर लाहौर। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि शहर लाहौर की तमाम बातें आप तक पहुँचाई जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से 2 माह से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के असरात हमारे ताजिर हजरात पर और गरीब तबके पे क्या पड़े हैं, आज इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम लोगों की राय आप तक पहुँचाए। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक बाज़ार भगवानपुरा में, यहाँ पे हम मजीद चलते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लोगों से पूछते हैं उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन्हें इनसे हम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। क्या काम करते हैं? यही काम है आप? यही काम है मेरा। 2 माह से लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किल का हो रही है, मुझे बहुत मुश्किल है। ये 3-4 दिन होया, 2 महीने के बाद रेड़ी लगाई है ये। तो कितने आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं? 14 मेंबर हैं हम। 8 बेटे हैं मेरे, 1 बेटी के 5 बेटे हैं, वो इधर ही रहते हैं मेरे पास। तो किस तरह आपका गुजर बसर हो रहा है, मतलब लॉकडाउन की वजह से आपका कोई काम नहीं? किसी से मांग, किसी से ले, दार ठाठा का ये वक्त पास हो रहा है। इनकी राय आपने सुनी, मजीद आगे चलते हैं, लोगों से भी पूछते हैं और मजीद दूसरे ताजरों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वहीद। यही आपका काम है गारमेंट्स का? आपकी शॉप है या आप स्टॉल? हमारी शॉप थी लेकिन हुकूमत ने ख़त्म करा दी है, अब सड़कों पे आ गए हैं। दुकान का सौदा हम सड़कों पे बेच रहे हैं। यह लॉकडाउन की वजह से गुजर बसर करना तो बहुत मुश्किल है, आपके घर का कैसा सर्कल चल रहा है और किस तरह? बहुत मुश्किल सर्कल चल रहा है, अब सड़कों पे आके ये जो बेच रहे हैं ना हम सड़क, 450 की शर्ट हम 350 में बेच रहे हैं आज, सिर्फ घर का किचन चलाने के लिए, ताकि ये सिलसिला जो चल सके घर का और कोई वजह नहीं। आपने इनकी भी बात सुनी, इनका ये कहना था कि हमारे घर का किचन चलाना भी मतलब मुश्किल है। आए मजीद और लोगों से बात कर लेते हैं, उनकी क्या राय है? हम मोहतरम करेंगे, ये सब्जी आती हुई है। क्या कहते हैं पुलिस वाले के मतलब अंदर रखे हैं और एक मुतालबा है कि हमें ये रिलीफ दिया जाए, ये बाजार में वैसे तो रश है ही है, इससे अच्छा कि प्रॉपर बाजार खोले जाए, बेशक थोड़ा टाइम दे दें, 9 से 5, 9 से 4 जो भी है, ताकि हम अपना कारोबार इसी कर सकें। हम लोग 2 महीने से बेरोजगार हुए पड़े हैं, ये जो पुलिस वाले हैं ना, इन्होंने 1 महीने से इतना रोजगार इकट्ठा किया कि आप सोच भी नहीं सकते। हर माड़े बंदे को पकड़ते हैं, 2000-3000 लेके छोड़ देते हैं। इनका काम अरूज पर है। हम लोगों को क्या कहते हैं, ऊपर से दुकानदार किराया मांगते हैं, हम कहाँ से किराया देना आगे? अपने घरों से तो नहीं देने, घुमा के देंगे ना, कहाँ से दें? वो आ जाते हमें किराया दें, ये करें वो करें, ये ऊपर से पुलिस ने तंग किया हुआ है। खुदा का खौफ करें, कुछ हमारे पे रहम करें। बेशक हम मानते हैं कोरोना बीमारी है, पर इतनी भी नहीं है जितनी इमरान खान साहब ने बरा दी है। ये आपको हर रोज़ फंड आ रहा है, कभी अरब आ गया, कभी कुछ आ गया, कहाँ पर सारा फंड जा रहा है? प्रॉपर तरीके के साथ किया जाए, आप लोग खुद देख सकते हैं बाजार में कितना रश है, तो इससे अच्छा हमें वो दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, 4-5 घंटे हम लोग अपना कारोबार करें, अपना बिजनेस करें, ताकि हम अपना सर्किट तो चला सके ना। घर में है हमारे माँ भाई हैं, बहनें हैं, माँ उनके लिए अपना काम तो कर सके ना, कम अपना खर्चा लेके जाए घर में। अगर ऐसे ही हालात रहे फिर हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ इमरान खान ने इमदादी रिलीफ पैकेज का भी तो ऐलान किया है ना, 12,000 रुपए, वो आप में से किसी को मिले हैं? किसी को भी नहीं मिला, यहाँ पे जिससे मर्जी पूछ के देख ले, कोई एक बंदा भी कहेगा मैं जुम्मेदार हूँ, किसी को भी नहीं मिला ऐसा कोई पैकेज। आपने मैसेज किया था मोबाइल? मैसेज जरूर किए, मैसेज तकरीबन 7-10 रुपए हर मैसेज के पीछे, जितनी दफा करेंगे वो पैसे काटते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं है, किसी को भी नहीं मिली इमदादी रकम, किसी को भी नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी हो रही, किसी को भी नहीं मिला यहाँ पे। आपका क्या यहाँ पे शॉप वगैरह? जी मैं उस दिन ये परसों वाले दिन मुझे यहाँ से उठा के पुलिस वाले डंडों के साथ मारा भी है, फिर यहाँ से किसी हिटते हुए लेके गए हैं, छोड़ देते हैं, काम नहीं करने देते, बस यही आगे करना, चुको जी चुको, डंडे मार के वो कहते हैं चुको जी चुको, अब सामान उठाने में देर, तो यही कह के लिए उठा रहे हैं, तो बोलना क्या चाहिए भैया, गिरे बाहर पकड़े उठा कर किसी हिट के लेके हम यहाँ से। अपने काम में खुद चोर बने हुए हैं, ऐसा हम जैसे चोरी का सामान बेच रहे हैं।
लेडीज आती हैं वो भी डरती हैं, लेडी कस्टमर डरता अंदर आते हुए, क्या हो रहा है? जी नाजरीन, आपने इनका भी मुतालबा सुना, इन्हें अपने काम में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस इन्हें बहुत तंग कर रही है और पुलिस इनसे पैसे लेने की डिमांड कर रही है, जो ये जब नहीं देते तो इन्हें मतलब उठा के ले जाते हैं और FIR करने की धमकी देते हैं। आए मजीद और लोगों से जानते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 माह से लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब बैठ बैठ के तंग आ गए, अब क्या करें भाई, तो निकल नहीं है ना, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। कितने घर के आपके फैमिली मेम्बर हैं? 5। तो 2 माह में आपने किस तरह गुजारा किया? गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, घर के जो पैसे रखे हुए थे खर्च हो गए सारे, वही इनकम पड़ी थी वो सारी खत्म हो गई। जी नाजरीन, जैसा कि आपने जाना, इस वक्त हम लोग मौजूद थे भगवानपुरा बाजार में, जहाँ पे आपने छोटे ताजरों की भी बात सुनी और गरीब आवाम की भी बात सुनी। तो उनका यही कहना था कि हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ एक तरफ भूख है और दूसरी तरफ पुलिस हजरात हमें बहुत तंग कर रहे हैं, जो कि हमसे पत्ता मांगते हैं और अगर हम नहीं देते तो हमें FIR करने की धमकी लगाई जाती है। लिहाजा उनकी ये अपील है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि हमारी मुश्किलात हल की जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सिद्रा साजिद को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे नई जगह पर नए लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।